हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश, और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द बूम बांध FE-4005 के बारे में। दोस्तों मैं बता दूं कि ये एक ब्रिटिश टैंक डिस्ट्रॉयर है जो कि टैंक डिस्ट्रॉयर की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसका जो कैमोफ्लाज वो काफ़ी ख़राब है, और जो इसके पास जो शेल कैपेबिलिटी है वो है, इसके पास 3 शेल कैपेबिलिटी, इसके पास क्लिपिंग कैपेबिलिटी है, और ये एक क्लिपिंग बीस्ट की तरह साबित हो सकता है अगर आप इसे सही से यूज़ करना सीख गए तो। गाइज, तीन बातें जो FE-4005 के बारे में जानना जरूरी है वो ये है कि पहला, इसके पास जीरो आर्मर, यानी कि जितने भी लोग आपके ऊपर शॉट करेंगे वो लगभग लगभग पेनिट्रेट कर ही लेंगे, बहुत ही कम चांसेस है मिस होने का। और एक और बात कि वो ज़्यादातर लोग आपके ऊपर हाईली एक्सप्लोजिव शेल से फायर करेंगे जो कि ज़्यादा डैमेज डील करते हैं नॉर्मल शेल से। और दूसरी बात, आप एक क्लिपिंग बीस्ट हैं, इस टैंक को बहुत लोग अंडररेट करते हैं लेकिन ये एक क्लिपिंग बीस्ट है अगर सही से आप इसे यूज़ करना सीख गए। यानी कि अगर आप, मैं आपको बता दूं कि ये एक बार में 3 शेल कैरी करता है, यानी कि और जो हर जो एक शेल है वो 460 अल्फा डैमेज के साथ, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो फिर आप 9 सेकेंड के अंदर लगभग किसी भी बंदे से 1300 डैमेज आप किसी भी बंदे के तुरंत उड़ा सकते हैं। बूम, इसीलिए इसका नाम ही बूम बम पड़ गया है। तो दोस्तों अगर मैं फिर आखिरी बात करूं तो फिर आपके पास जो कैमोफ्लाज है वो इस टैंक का बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो फिर आप इस टैंक को लेके ये मत सोचिए कि आप नॉर्मल जो टैंक डिस्ट्रॉयर्स हैं उनकी तरह पीछे बैठ के काम करेंगे, क्योंकि ये टैंक उस चीज़ के लिए नहीं बना है, एटलीस्ट मुझे यही लगता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि इस टैंक के लिए क्या इक्विपमेंट सही रहेंगे और कैसे हमें इसे यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम इसका एक परफेक्टली यूज़ कर सकें। तो गाइस, मैं अगर मैं कैमोफ्लाज की बात करूँ तो मुझे लगता है कि मल्टीपर्पज़ रिस्टोरेशन पैक तो आप जरूर लेंगे ही लेंगे, और साथ में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप या तो रेटिकल कैलिब्रेशन ले लें या तो आप शायद रिलोड बूस्ट ले लें। मेरे ख्याल से शायद रिलोड बूस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है इस टैंक के लिए, क्योंकि आप पीछे बैठ के स्नाइप नहीं करने वाले, आप अपने टीम के लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं, तो फिर आप शायद रिलोड बूस्ट करिए ताकि आप 7 सेकंड में ही तीनों डैमेज अपना पूरा क्लिप एक बार में उतार सके। 7 सेकंड में ही आपका -30% रिलोड टाइम हो जाएगा, और उसके साथ में अगर आप चाहें तो फिर इनमें से कोई भी ले सकते हैं, या तो आप रिपेयर किट ले सकते हैं या तो आप ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इस टैंक को इंजन बूस्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, पर आप चाहें तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर दोस्तों मैं प्रोविजन के बारे में बात करूँ तो फिर आप कुछ लें ना लें लेकिन आपको स्पॉल लाइनर लेना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि ये एक ऐसा स्पेशल प्रोविज़न है जो कि लाइट जो आर्मर्ड जो टैंक डिस्ट्रॉयर्स है उनको मिलता है। इसमें आपको हाईली एक्सप्लोजिव शेल जो भी आपके ऊपर फायर करेगा उससे जो 20% डैमेज है वो आपको कम डील करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सामने होता है, साबित होता है दोस्तों। मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि जैसे FE-512 भी जिसका हाईली एक्सप्लोजिव से लगभग 1300 से 1400 एवरेज डैमेज हो जाता है, पर वो एक बार में मुझे सिर्फ 1000 के नीचे ही डील कर पाता है क्योंकि मैं स्पॉल लाइनर यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप कुछ और यूज़ करें ना करें, स्पॉल लाइनर तो जरूर यूज़ करना चाहिए इस टैंक के ऊपर। और मैं बता दूं दोस्तों कि आप बाकी में कुछ भी ले सकते हैं, पुडिंग एंड टी सबसे बेस्ट होता है जो कि क्योंकि ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनको पुडिंग और टी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए ये है यहाँ पे। और फिर बाकी आपका जो मन करे वो यूज़ कर सकते हैं, या तो अपना यूज़ करें तब भी चलेगा, पर आप स्पॉल लाइनर जरूर यूज़ करें। और दोस्तों उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एमओ की बात करूँ तो फिर इसका पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा है, तो फिर आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा प्रीमियम शेल के लिए या तो हाईली एक्सप्लोजिव के लिए। फिर इक्विपमेंट्स में अगर हम लोग देख लेते हैं तो फिर यहाँ पे आप कैलिब्रेटेड शेल यूज़ करें, क्योंकि इसका जो बाकी सारा एमिंग टाइम और बाकी सब गन डिस्पर्शन और ये सब है वो सब काफ़ी अच्छा है इस टैंक का, कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, आप कैलिब्रेटेड शेल यूज़ करिए क्योंकि कम से कम आपके पास 3 शेल है, आप उन तीनों शेल को एक बार में उतारना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेशन लेना चाहते हैं, तो फिर आप कैलिब्रेटेड शेल जरूर यूज़ करिए। उसके बाद आप थोड़ा सा एमिंग टाइम घटा लीजिए यहाँ पे, फिर और गन डिस्पर्शन थोड़ा सा घटा लीजिए, फिर यहाँ से आप डिफेंस सिस्टम अपना अच्छा कर लीजिए, और फिर यहाँ पे क्योंकि इस टैंक के पास आर्मर तो बिल्कुल है ही नहीं तो फिर इसका कोई लेने का मतलब है ही नहीं, तो फिर आप यहाँ पे हिट पॉइंट्स अपने बढ़ा लीजिए। फिर यहाँ पे दोस्तों क्योंकि हम लोग पीछे बैठ के कैंपिंग करने वाले हैं नहीं, तो फिर आप इम्प्रूव ऑप्टिक्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपना व्यू रेंज बढ़ा सकें। और फिर दोस्तों आखिरी में इंजन एक्सेलरेशन यूज़ करके आप अपना इस इंजन जो है उसको अच्छा कर सकते हैं, मतलब कि काफ़ी ताकि आपकी स्पीड और काफ़ी कुछ बढ़ जाए। और दोस्तों फिर यहाँ पे आप इसमें से कंज्यूमेबल डिलीवरी सिस्टम यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, और ये दोनों कुछ खास मायने नहीं रखते। तो फिर आप चलिए आगे बात करते हैं कि इस टैंक को कैसे यूज़ करना है, तो मैं ये आपको दिखाऊंगा मेरे दो बहुत ही अच्छे रिप्लेस से जो कि
मैंने FE005 टैंक के साथ खेले हैं जो कि काफ़ी अच्छे थे, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टैंक के साथ आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप अपनी टीम के लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं, आप उनके साथ ही जाइए लेकिन आप पीछे छुपे रहिए, जैसे ही वो डैमेज रिसीव कर लें तो फिर आप निकल के तुरंत अपना डैमेज डील कर लीजिए और सामने एनिमी को हिट कर दीजिए। और या तो आप दूसरा काम कर सकते हैं कि अगर आप किसी बड़े मैप पे हैं, जैसे कि इस समय ये मेरा केस है कि मैं रॉक फील्ड पे हूँ और यहाँ पे हम ज़्यादा जानते हैं कि जो एनमी है वो बेस सी की तरफ ही जाती है, तो फिर इसीलिए आप ये कर सकते हैं कि आप दूसरे तरफ जा सकते हैं और फ्लैंक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैं यहाँ पे कैसे चलता है गेम। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने उस टीम को अपने पहले बता दिया कि सब लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे और मैं इधर एक बेस ए की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं पीछे से रह करके फ्लैंक करने की कोशिश कर सकूँ। और दोस्तों मैंने लिख दिया, मैं बता भी दिया कि आई वांट टू फ्लैंक, और चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो फिर देख सकते हैं दोस्तों ज़्यादातर ये मैप काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है और इस मैप में वैसे मैं भी यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर किसी भी टैंक में हो तो फिर सी की तरफ ही जाइए। हाँ अगर आप टैंक डिस्ट्रॉय या तो किसी बहुत ही मोबाइल टैंक के साथ है तब आप ए की तरफ जा कर के फ्लैंक कर सकते हैं, जैसे कि ये समय मेरा केस है। हाँ दोस्तों बस यहाँ पर जैसे ही मैं आया तो मैंने देखा कि शेडन यहीं पर है, यहाँ पर मैंने एक और शेल मैं चाहता था कि उसके ऊपर ले लूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पीछे चला गया, पर मैं लकी भी रहा क्योंकि वो हाईली एक्सप्लोजिव यूज़ किया तो, लेकिन उसका शेल पेनिट्रेट नहीं किया और मुझे सिर्फ 160 समथिंग डैमेज रिसीव हुआ। दोस्तों मैं यहाँ पीछे तुरंत इंस्टेंटली रिलोड कर ले रहा हूँ अपने पूरे क्लिप को एक और बार, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो फिर से मुझे वहीं जाना पड़ेगा और शेडन वहीं पे बैठा होगा कहीं पे मेरा वेट कर रहा होगा। तभी मैं देखता हूँ दोस्तों कि I7 भी यहाँ पर है, इसलिए मैं दोस्तों पीछे होने लगता हूँ और थैंकफुली कि ये M6 काफ़ी अच्छा था कि वो यहाँ इस तरफ आ गया, वरना मैं अकेले नहीं डील कर पाता इन लोगों को। दोस्तों हमने अपने क्लिपिंग कैपेबिलिटी से शेडन को मार दिया और I7 मुझे समझ नहीं आता कि वो पुश नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ पर हम दो टैंक थे, इसीलिए मैं कहा कि चलो ठीक है फिर मैं अपना रिलोड जो है एक बार फिर से कंप्लीट कर लेता हूँ और तीनों शेल में अपना रिलोड कर लेता हूँ। उसी समय दोस्तों M6 आगे जाता, अनफॉर्चुनेटली उसको पीछे से पता नहीं किसने मारा और फिर M6 की कोई भी शॉट वैसे यहाँ पे लगे नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि पीछे से हम पे अटैक होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आगे ही चलते हैं, पीछे से क्योंकि बहुत अटैक हुआ। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, मैंने अपना जो स्पेशल कंज्यूमेबल है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने 7 सेकेंड्स के अंदर ही तीन अपने शॉट्स पेनिट्रेट करने की कोशिश की। हाँ अनफॉर्चुनेटली पहला शॉट मिस हो गया पर बाकी दोनों किए, और फिर यहाँ पे हम इसके पीछे छुप रहे हैं इस रॉक के पीछे ताकि IS7 मेरा कुछ नहीं कर कुछ बिगाड़ ना पाए और मैं ताकि पीछे ही रहूँ जब तक मेरा शायद रिलोड ना हो जाए। तभी मैं देखता हूँ दोस्तों कि M6 उधर से आ गया, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा चांस है मेरे लिए, अब IS7 उसकी तरफ देखेगा और जब जैसे ही IS7 उसकी तरफ देखेगा मैं तुरंत निकल करके अपने तीनों शेल अपने पेनिट्रेट कर लूँगा। तो जैसे ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और फिर यहाँ पे आप देख सकते तीसरा शेल, बहुत आसानी से आप मैंने आराम से उस IS7 को काफ़ी डैमेज डील कर लिया और अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ और हम ऑलरेडी 3,500 डैमेज पर लगभग हैं। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से मैं या तो पीछे जा करके आगे से उनके बेस 1 पर चला जाऊँ और फ्लैंक करूँ, या तो मैं यहीं रुक कर चीफ्टन का इंतज़ार करूँ और यहाँ से मारने की कोशिश करूँ। फिर दोस्तों मैंने सोचा कि चीफ्टन यहीं कहीं आसपास हो और उसको पुश तो करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, तो मैं क्यों ना यहीं वेट करूँ। तो मैं दोस्तों चीफ्टन का वेट कर ही रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि चीफ्टन उस तरफ चला गया था उनसे डील करने के लिए। तो फिर मैंने दोस्तों M6 को भी तुरंत कह दिया कि अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, तो चलो अटैक करें, तो मैंने तुरंत अटैक का सिग्नल दिया और हम तुरंत जा रहे थे कि बेस सी की तरफ अपने जो टीममेट्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे फुल स्पीड में हम जा रहे थे, तीनों शेल रिलोडेड भी हैं। दोस्तों ये ऑब्जेक्ट पता नहीं क्या कहता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। E100 काफ़ी अच्छा खेल रहा था दोस्तों। फिर मैंने यहाँ देखा कि चीफ्टन ऊपर से ही पिकअप कर रहा और मैंने उसी समय उसको एक हिट भी कर दिया। फिर मुझे पता चल गया कि चीफ्टन अब फिर से दोबारा तो नहीं आने वाला है क्योंकि अब वो समझ गया कि मैं यहीं पर हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो फिर ठीक है रिलोड कर लेते हैं। तो फिर दोस्तों मैं यहाँ पर रिलोड करने लगा अपना क्लिप और फिर पीछे से जा कर के मैंने सोचा कि आगे से क्योंकि E100 डील कर रहा है तो फिर मैं पीछे से जा कर फ्लैंक करूँ और अपने तीनों शेल्स जो है वो यूज़ करके उनको उतार दूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैं पीछे से जा ही रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैंने अपना कंज्यूमेबल भी यूज़ कर लिया और ये बूम पहला शॉट मैंने ख़त्म कर दिया चीफ्टन को, दूसरा शॉट E100 के ऊपर और तीसरा शॉट यहाँ पे देखिए दोस्तों आराम से 5,168 डैमेज हमने ऑलरेडी डील कर लिया है।
और फिर यहाँ पे फिर मैंने सोचा अब अकेले बचा तो फिर चलो रैम करते हैं या फिर 100 के ऊपर कुछ ट्राई करते हैं। हालांकि मैं भी वी 100 के हिसाब से सिर्फ वन शॉट लूँगा अगर उसका मैक्स ऑल होता है। यहाँ पे मैंने ऑटो एम यूज़ किया था दोस्तों फिर, लेकिन यहाँ पे ये पता नहीं कहाँ पे शेल चला गया और उसका ट्रैक ब्रेक हुआ, इसलिए मैं आगे जा करके उसको किल कर दिया। और यहाँ पे मैं 5290 डैमेज मैंने आराम से बटोर लिया। तो दोस्तों ये था एक ऐसा गेम जो मैं जो कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसके क्लिपिंग कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है इस टैंकी की। पहले हमने IS-7 को आराम से क्लिप किया, शाइडन को आराम से क्लिप किया, उसके बाद चीफटन डर गया था, नहीं तो अगर वो पीके बुक था तो उस पर शायद मैं 2 शेल अपने उतार सकता था, और फिर आखिरी में हमने E-100 पे अपना क्लिपिंग पूरा कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ 5291 फर्स्ट क्लास मेडल हमें मिल गया यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा क्रेडिट हमने अर्न कर लिया, और आप देख सकते हैं क्रेडिट्स अर्न में। और फिर यहाँ पे दोस्तों टीम में भी मैं सबसे टॉप पे रहा। तो दोस्तों आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि FE4W5 कितना ज़्यादा अंडररेटेड टैंक है, और आप किस तरह से अब सही कंज्यूमेबल्स, प्रोविजंस, एमओ और इक्विपमेंट को सही तरीके से यूज़ करके और साथ ही साथ अपने स्किल्स को यूज़ करके आप किस तरह से इस टैंक से आप धूम मचा सकते हैं गेम में। तो फिर दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था FE4W5 के बारे में। आई होप आप सब आपने सीखा होगा कि किस तरह से इस टैंक को यूज़ करना है। तो फिर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप आगे कौन सा वीडियो किस बारे में देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।